इस क्वेश्चन में ये आपका एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट कोऑर्डिनेट 0.1 और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 45। तो यहाँ पर ये कोई सोर्स है 1.0, वो पूछेगा कि ये मिरर है, इसकी इमेज बताओ, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, इमेज का क्या होगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो ये तो मुझे पता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी। तो कैसे बनने करेंगे क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट है तो 0.1 और ये 1.0, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा 1 और ये डिस्टेंस भी क्या होगा 1। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगा के क्या आएगा √2। तो अगर ये √2 तो ये भी क्या होगा √2। तो इसकी ज्योमेट्री भी बिल्कुल वही बनेगी, ये ट्राइंगल यहाँ बनेगा 1 और 1 वाला, तभी आंसर क्या आएगा √2। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इमेज का उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -1, लेफ्ट की तरफ है तो क्या होगा -1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1+1 2, तो आंसर क्या आएगा -1.2। तो कैसे सोचना है समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। एनसीईआरटी में तो प्लेन मिरर्स मैंने देखे नहीं आते हुए, बट ये है कि अगर कॉम्पिटिशन में प्लेन मिरर्स देखे हैं तो आपको कैसे सोचना है आपको आइडिया देंगी शीट, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन। तो इसके अंदर फिगर शोज अ मिरर एम ऑन विच लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है 40 फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ। इफ अ रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अगर रे को मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया तो अब वो कितना एंगल बनाएगी, 40 में से 10 गया 30। फाइंड चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो ये रे 40 पे आती है, मिरर से टकरा के 40 पे जाती है, अगर इसकी रिफ्लेक्शन ना होती तो ये रे बिल्कुल सीधा ऐसे जाती, अगर रिफ्लेक्शन ना होती तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे चली जाती, पर गई कैसे, ऐसे गई, तो कितना डेविएट होगी अपने पाथ से, ये डेविएशन है। डेविएशन का मतलब जाना ऐसे था गई ऐसे, तो ये डेविएशन है। तो इसमें टोटल एंगल 180 है, 180 में से 80 का कितना हो गया 100, तो डेविएशन एंगल कितना हो गया 100। तो पहले केस में डेविएशन एंगल 100 है, क्या पॉइंट क्लियर है। अब दूसरे केस में ये एंगल क्या हो गया 30 30 30 60, तो डेविएशन का एंगल क्या होगा 180 में से 80 की जगह क्या माइनस करना है 60, 180 में से 60 किया कितना हो गया 120। तो पहले डेविएशन कितनी थी 100, अब डेविएशन कितनी है 120, दोनों को माइनस करेंगे तो डेविएशन का एंगल क्या आएगा 20। तो डेविएशन का डिफरेंस पूछा गया जो कि इसमें 20 होगा, ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में ये रे आती है, टकराती है, फिर टकराती है, फिर चली जाती है, ये एंगल थीटा, ये एंगल 60, आपको एंगल थीटा बताना है क्या होगा। तो इसकी ज्योमेट्री देखो, ये रे आती है,
टकरा के रिफ्लेक्शन यहाँ जाती है, ये इसका नॉर्मल है। ये रे आती है, टकरा के यहाँ जाती है, ये इसका नॉर्मल है। इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल, तो ये एंगल थीटा, तो वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल थीटा। अगर ये आए तो ये आए, ये 60 आपको गिवन है। अब आपको एक चीज़ पता है, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ये एंगल कितना है 90, ये भी नॉर्मल है तो ये एंगल कितना है 90। तो अगर ये 90, ये 90, ये 60, तो एक क्वाड्रिलेटरल के केस में एंगल कितना आएगा 120। तो सॉल्व कर लेंगे ऐड करके, आंसर 120। तो आपको ये एंगल कितना पता लग गया 120। अब अगर ये वाला एंगल अगर आई है ना, ये आए, ये 120, तो ये मान लो x है, तो आए प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60 माइनस आए। तो चेक करो, 60 माइनस आए तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 माइनस आए। तब कुछ नहीं करना, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, पूरे ट्राइंगल में ये एंगल कितना है 2i, ये एंगल कितना है 2 × 60 माइनस आए, और ये एंगल कितना है थीटा, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 60। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें, क्लियर है यहाँ तक? तो टोटल ज्योमेट्री है, कुछ भी नहीं है, वहीं उसी इंस्टेंट पे क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसमें कोई सीखने को कुछ नहीं है। आप ये कहो कि मैं से 10 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा मालूम नहीं, वहीं ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। बट आइडिया क्लियर है इसमें कि कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन की जगह पहले ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, देखो। क्वेश्चन है, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम अ प्लेन मिरर इज प्लेस पैरेलल टू XY प्लेन। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे देना कि अगर मान लो ये मिरर है, और सपोज करो ये एक इंसेक्ट है, मिरर अगर पास आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस इंसेक्ट की इमेज भी पास आएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर ये मिरर है और ये इंसेक्ट ऐसे जा रहा है इसके सामने से, ऐसे, राइट, ऐसे, तो इसकी इमेज भी बिल्कुल वैसे ही जाएगी जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी इमेज भी ऊपर जाएगी विद सेम वेलोसिटी, और अगर राइट जा रहा है तो इमेज भी राइट जाएगी विद सेम वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? फिर से ठीक है यहाँ तक? तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं। वो ये कह रहा है कि एक 3D सिस्टम है, मिरर XY प्लेन में हमने रखा हुआ है। मान लो ये जमीन नहीं है, फ्लोर नहीं है, ये XY प्लेन है, ये मिरर ही मिरर है, ये जमीन पे मिरर है। उसके बाद वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इंसेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये उड़ रहा है 3D में विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये गिवन है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों में, यानी कि 3D में उड़ रहा है, ये भी क्लियर है। अब वो कह रहा है कि ये तो उड़ ही रहा है, अब वो कहता है मिरर भी चल रहा है, मिरर की स्पीड ये है, मिरर भी 3D में चल रहा है, फर्श पे नहीं है, फर्श भी कभी इधर कभी इधर, 3D में चल रहा है। अब इंसेक्ट भी 3D में, ऑब्जेक्ट भी 3D में, और मिरर भी 3D में, तो कह रहे जो इमेज बनेगी मिरर में उसकी स्पीड क्या होगी, ये बताओ, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स है सोचने में, हमें आदत है यार सिंपल क्वेश्चन करने की, ये मिरर है, ये 10 है तो फिर ये भी 10 है,
और ना अगर मिरर 10 के साथ आ रहा है तो इमेज 20 के साथ आ रही है, सिंपल है, पर 3D हमने नहीं किया। इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। पहले इमेजिन करना है कि मिरर रेस्ट पे है, मिरर चल ही नहीं रहा, इसको जीरो कर दो। पहले वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब जब वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, 3D में उड़ रहा है। आप मुझे ये बताओ सिर्फ कि अगर ऑब्जेक्ट 2D में मूव कर रहा होता ऐसे ऐसे, तो उसकी इमेज भी नीचे साथ ही मूव कर रही होती विद सेम वेलोसिटी, मानते हो ये चीज़। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो नीचे इमेज भी ऐसी जा रही है, राइट। तो एक्स और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता, ये बात तो पक्की है। प्रॉब्लम कब होती है, जब वो ऑब्जेक्ट मिरर के पास आए या मिरर से दूर जाए। एक्स वाई प्लेन में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, इसीलिए पहला केस हम ये लेके चलेंगे कि मिरर किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। अगर मिरर रेस्ट पे है तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी बनेगी, इमेज की वेलोसिटी बनेगी, वो क्या बनेगी, 5i कैप में कोई चेंज नहीं आएगा, 3j कैप में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स वाई, क्योंकि मिरर किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, और इंसेक्ट की एक्स वाई प्लेन की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट -11k कैप से नीचे जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, तो सोचो इमेज भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर आ रही है। रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट 3D में अब मिरर की तरफ, क्योंकि मिरर एक्स वाई प्लेन में है तो 3rd कॉम्पोनेंट k कैप में है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है -11k कैप, तो इमेज ऊपर आएगी +11k कैप। तो इसका मतलब फर्क सिर्फ के कॉम्पोनेंट में पड़ेगा, एक्स और वाई में नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिरर भी आपका कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। क्या स्टेप क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर ये वेलोसिटी कब है, जब मिरर किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मिरर भी मूव करता है। अब एक बात बताओ, अगर मिरर मूव करता है और मिरर की ये जो दो वेलोसिटीज है कौन से प्लेन में है, एक्स वाई में, सोचो अगर मिरर मिरर की ये वेलोसिटी होती ना सिर्फ एक्स वाई में होती, तो मिरर जमीन पे ऐसे मूव करता जा रहा है, तो फिर इमेज को क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। हमने यहाँ डिस्कस तो किया, अगर मेरे सामने से मिरर ले भी जाओगे तो मेरी इमेज में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल वही केस है, अगर मिरर एक्स वाई प्लेन में मूव करता है तो इमेज की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ये स्टेप क्लियर है? तो ये दोनों कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स वाई वेलोसिटीज, इमेज की वेलोसिटी में कोई चेंज लेके नहीं आएंगे। लेकिन तीसरा कॉम्पोनेंट क्या है, -3k कैप। -3k कैप का मतलब सोचो, अगर कोई मिरर मेरी तरफ आ रहा है और मैं ऑब्जेक्ट हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ -3k कैप, मिरर आ रहा है मेरी तरफ, तो आज हमने रिजल्ट किया था, अगर मिरर वाई डिस्टेंस पास आता है तो इमेज 2y पास आती है, तो अगर मिरर -3k कैप पास आ रहा है तो इमेज उसकी -6k कैप पास आएगी, तो मिरर की मूवमेंट क्या करेगी, इसमें -6k कैप ऐड कर देगी, क्योंकि ये दो वेलोसिटीज तो उसमें चेंज लेके नहीं आएंगी, 3rd कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इसमें एडिशन कर देगा वेलोसिटी में। तो फाइनल आंसर आएगा 5i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप इज द आंसर। तो देखने में 3D है हुनी, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट कुछ करते ही नहीं है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है, पहले मिरर को रेस्ट पे मान लेना है और इमेज की वेलोसिटी निकाल लेनी है, फिर क्या करना है, मिरर को मूव करवाना है, मिरर जब मूव करवाएगा एक्स वाई प्लेन कोई फर्क डालेगा नहीं, तो एक्स वाई प्लेन की वेलोसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब सामने से ले भी जाओगे तो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा है। लेकिन जब मिरर पास आएगा -3k कैप, तो इसकी इमेज डबल वेलोसिटी से पास आएगी -6k कैप, तो ऐड कर देना आंसर आएगा। सोचना कैसे समझ में आ रहा है? तो आज के बाद अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, आपको पता लगेगा कि कैसे करना है। दो फेज हैं, पहले एक को रेस्ट पे मानना है फिर दूसरे को रेस्ट पे मानना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ लेंथ 20 मीटर। एक मैन 20 मीटर के रूम में खड़ा हुआ है और एंड हाइट ऑफ 3 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर दूरी पे है, 3 मीटर की वॉल है, और ऑन फेसिंग वॉल अ मिरर इज हैंगिंग। तो यहाँ मिरर हैंग कर रहा है। फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड ताकि मैन अपने आप को पूरा देख सके।
कम से कम हाइट क्या होगी ये आपको बताना है। तो ऐसे केस में ये इसकी आईज हैं, ठीक है, और ये वॉल है, वो पूरी वॉल को देखना चाहता, वॉल को देखना चाहता है कि इसको कंप्लीट हाइट ऑफ द वॉल, सॉरी अपने आप को नहीं, वो वॉल को देखना चाहता है, तो पीछे दीवार को देखना चाहता है, और मिनिमम हाइट आपको चाहिए मिरर की। तो दीवार का ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी उसकी आईज में जाएगी, नीचे से ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी उसकी आईज में जाएगी, और यहाँ पर क्या बनेगी, वॉल की इमेज बनेगी। ज्योमेट्री क्लियर है ये? तो ऐसा कुछ बनेगा इसमें, और हाइट ऑफ द मिरर कितनी है, एच है। अब आपने कुछ नहीं करना, सिमिलैरिटी यूज़ करनी है इसमें। क्या सिमिलैरिटी? आप ये दो ट्राइंगल ले लेना, ये एक ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, हाइट एच डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल का बेस, ये परपेंडिकुलर 5, इस ट्राइंगल की हाइट और इस ट्राइंगल का बेस कितना, 25। सॉल्व करके अच्छा जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई मैन खड़ा है, सामने मिरर है, अपने को देखना चाहता है, सिमिलैरिटी से सॉल्व होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, इसके शॉर्टकट्स भी हैं, अगले लेक्चर में इसके शॉर्टकट्स कराऊंगा, सीधा आंसर ही सीधा आ जाया करेगा इसमें, इतनी ज्योमेट्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें सोचना है आपने। बस ये याद रखना कि रेज आँख में जाएगी, ऑब्जेक्ट ये लेना पड़ेगा, और रेज ऐसे डायग्राम बनेगा इसका। क्लियर है? तो आगे के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट किए हुए हैं, ज़रूरत नहीं है, ये मिरर कॉम्बिनेशन ये सब मिरर की शीट में किए हुए हैं, डबल मिरर रिफ्लेक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की।